हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपन किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्पिनच चीज बॉल्स की रेसिपी। यह एक इजी एंड क्विक स्नैक्स रेसिपी है, इसे आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करें। इसे बनाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम फटाफट से स्पिनच चीज बॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप पालक की प्यूरी ली है। ध्यान रहे, आप जब भी पालक की प्यूरी तैयार करें, पालक को बॉईल करने के बाद उसके पानी को अच्छे से निकाल दें, नहीं तो हमारी जो प्यूरी है वो पतली हो जाएगी और हमें उसमें ब्रेड क्रम्स वगैरह एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो इसे हम एक प्लेट में डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर एक्चुअली इसकी बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच डालूंगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक बार में हमें सारा ब्रेड क्रम्स इसमें नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ब्रेड क्रम्स इसमें डाल दिया है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच नमक। ध्यान रहे, नमक हमें बहुत कम डालना है क्योंकि पालक की प्यूरी में नमक उतना ज्यादा नहीं पड़ता। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच। यहाँ पर हमने काली मिर्च फ्लेवर को थोड़ा एनहांस करने के लिए डाला है। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप काली मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सब चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। और इसे मिक्स करने के बाद हम यहाँ देख लेंगे, अगर ज़रूरत लगे तो आप धीरे धीरे करके इसमें ब्रेड क्रम्स और ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल दिया है और इसे भी अच्छे से यहाँ मिक्स कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी हमारा जो पालक ब्रेड क्रम्स का डो है वो हल्का सा पतला है, तो उसके लिए मैं इसमें आधा छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। और कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद भी हम इसे एक बार और देख लेंगे, अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स आप और डाल दें। और हाँ, आधी इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच गार्लिक, जिसे मैंने छील के ग्रेट कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और डाल दूंगी क्योंकि अभी भी जो मेरा पालक है वो बहुत सॉफ्ट सा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा पालक का डो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर चीज़ लिया है ग्रेट करके। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मोजरेला, प्रोसेस चीज़, अमूल का क्यूब वाला, या कोई भी आप ले लें। बस सिंपल उसको ग्रेट कर लें और किसी एक बाउल में उसको डाल दें। चीज डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाला है एक छोटी प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। प्याज डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच ऑर्गेनो, एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स थोड़ा कम डालें, और आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें एक पिंच नमक भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये सब डालने के बाद हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले चीज में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस स्टफिंग में आप थोड़ा बहुत पनीर भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद हम इस तरह से हाथ में ऑयल लेंगे और चीज के एक छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करेंगे। ध्यान रहे, चीज़ के हमें छोटे छोटे बॉल्स ही तैयार करने हैं क्योंकि इसे हम पालक के जो डो तैयार करा है उसकी स्टफिंग में इसको डालेंगे, इसलिए हमें छोटे छोटे ही तैयार करने हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ कितने छोटे छोटे चीज़ बॉल्स बना रहे हैं। इसी तरह आप भी सारे चीज़ के छोटे छोटे चीज़ बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह हमने यहाँ पर सारे चीज बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसी तरह हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और पालक के मिक्सचर में से और थोड़ा सा मिक्सचर उठाकर गोल करते हुए टिक्की का शेप देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको चपटा करते हुए टिक्की का शेप दे रही हूँ। आप भी इसी तरह से इसका शेप तैयार करें। और उसके बाद हम एक चीज बॉल्स उठाकर इसके सेंटर में रखेंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे।
ध्यान रहे हमें चीज बॉल को बहुत अच्छे से कवर करना है जिससे जब भी हम इसे डीप फ्राई करें तो उसमें से चीज बाहर ना निकले, क्योंकि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हम चीज की कोई डिश बनाते हैं तो उसमें जब हम इसे डीप फ्राई करते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत चीज बाहर निकलने लगता है। तो अगर कभी भी आपके साथ भी ऐसा हो तो अगर जैसे कोई एक पकौड़ा है उसमें से चीज बाहर निकलता है तो आप उसे हटा दें और बाकी सबको अच्छे से डीप फ्राई कर लें। तो यहाँ पर हम इसी तरह से सारे चीज बॉल्स को अच्छे से कवर करते हुए तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सारे चीज बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फटाफट से डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। ध्यान रखें आप जब भी चीज बॉल्स को डीप फ्राई करते हो तो उस टाइम पे जो ऑयल है वो मीडियम हॉट होना चाहिए और गैस को भी हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। इस तरह से आप डालकर देख लें, अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है तो उसे थोड़ा सा और गर्म कर लें, अगर हो गया है तो उसमें सारे चीज बॉल्स डाल दें। अब हम इसमें सारे चीज बॉल्स को डाल देंगे। ध्यान रहे जब भी आप चीज बॉल्स को डीप फ्राई करें तो इसमें हमें बार बार बहुत ज्यादा कलछी नहीं लगानी है, क्योंकि अगर इसमें आप ज्यादा कलछी लगाएंगे तो कलछी अगर चीज बॉल्स पर लग जाती है तो उसमें से चीज निकलने लग जाता है। तो चीज बॉल्स को हम एक साइड से अच्छे से सेक लेंगे और सेकने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। अगर आप चाहें तो इसे बीच में हल्का सा कलछी से इधर उधर हिला सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूं, उसी तरह से आप कर लें। अब हमारे चीज बॉल्स एक साइड से अच्छे से सिक चुके हैं और इन्हें हम हल्के हाथ से पलट देंगे। इसी तरह हम चीज बॉल्स को दोनों साइड से पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक साइड से जो चीज बॉल्स है उनका कलर कितना चेंज हो चुका है। इसी तरह हम इन्हें दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। कई बार आपने देखा होगा, बनाया भी होगा कि जब भी हम कोई चीज का स्नैक्स बनाते हैं तो उसमें से चीज बाहर निकलने लगता है। अगर आपके साथ ऐसा हो, यानी कि जिस बॉल में से चीज निकले आप उसे तुरंत वहां से निकाल दें, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो जो चीज है वो पूरी कढ़ाई में फैल जाएगा और बाकी बॉल्स पर भी चिपक जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सारे चीज बॉल्स तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे चीज बॉल्स कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे दिख रहे हैं। चीज भी पूरी तरह मेल्ट हो चुका है। तो आप इसे एक बार घर पर जरूर बनाकर देखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।